होती है। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजा दीजिए। मैं चार पंक्तियों से अपने काव्य यात्रा का प्रारंभ करता हूँ। मैं अपने घर की चार पंक्तियों से अपने काव्य यात्रा का प्रारंभ करता हूँ कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, फांसी के तख्तों पर झूले नाश कर लिए घर आबाद। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, फांसी के तख्तों पर झूले नाश कर लिए घर आबाद। लाखों हुई सुहागिन विधवा, लाखों हुई सुहागिन विधवा, चूड़ी फूटी बेतादात। लाखों हुई सुहागिन विधवा, चूड़ी फूटी बेतादात। हिंदुस्तान की आजादी में लाखों लोग हुए बर्बाद, हिंदुस्तान की आजादी में लाखों लोग हुए बर्बाद। उसी देश में हो गई देखो रचना पाकिस्तान की, उसी देश में कर दी देखो रचना पाकिस्तान की। नेताओं ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की, नेताओं ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। आज से दो दिन बाद जो पर्व देश जो देशवासियों के सामने आने वाला है, मैं समझता हूँ कि वो पर्व किसी भी पर्व से बड़ा पर्व है जिस दिन हमें आजादी मिली। मैं चार पंक्तियों से उन शहीदों का, उन वीरों का वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने शरीर की बूंद बूंद इस देश को इस देश पर न्योछावर करके लुटा दी, मगर इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं दिया। मैं चार पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि उनके सम्मान में आपकी तालियां उठेंगी और आगे से पीछे तक एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मैं चार पंक्तियों से उनका अभिनंदन करता हूं कि भारत के स्वर्ग को संवारा गया खून से है, भारत के स्वर्ग को संवारा गया खून से है। केसर की क्यारियों को नुचने दिया नहीं, केसर की क्यारियों को नुचने दिया नहीं। पत्थरों को काट काट रास्ते बनाते रहे, पत्थरों को काट काट रास्ते बनाते रहे। विजय का रथ कभी रुकने दिया नहीं, विजय का रथ कभी रुकने दिया नहीं। शत्रुओं के आगे हम शैलराट से खड़े थे, शत्रुओं के आगे हम शैलराट से खड़े थे। शौर्य का ये सूर्य कभी बुझने दिया नहीं, शौर्य का ये सूर्य कभी बुझने दिया नहीं। इसको प्रणाम कर शीश कटते गए हैं, इसको प्रणाम कर शीश कटते गए हैं। किंतु ये तिरंगा कभी झुकने दिया नहीं, किंतु ये तिरंगा कभी झुकने दिया नहीं, किंतु ये तिरंगा कभी झुकने दिया नहीं, किंतु ये तिरंगा। और ये तिरंगा क्यों नहीं झुक पाया? हर देश के पास सेनाएं हैं, मगर ऐसी सेनाएं किसी के पास नहीं है जो 21 दिन भूखे लड़ने के बाद युद्ध कर सके। रूस ने कहा कि अगर भारत की जैसी सेनाएं हमारे पास होती तो दो दिन में पूरा विश्व फतेह कर सकते थे। क्या है देश की सेनाओं के पास ऐसा? यहाँ पर सेनाओं को ताकत, यहाँ के बेटों को ताकत परमपिता परमात्मा ने उनके बेटों के रूप में दी है। यहाँ जब उनकी माताओं के रूप में दी है, यहाँ जब बेटा लड़ने जाता है तब माँ कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे वंशजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे वंशजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास। इतिहास लाडले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाडले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं। बेटा अपनी माँ को उत्तर देता है। अगर आपको लगे कि वो उत्तर इस देश का पौर, इस देश का स्वाभिमान बनना चाहिए और बना, तो एक एक व्यक्ति की ताली उठनी चाहिए कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं। लाडला न पुरखों की नाक को कटाएगा, लाडला न पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा सीमा पार फहराएगा। ऐसी ताकत, ऐसा ओज जब देश के पास हो, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री को लाल चौक पर तिरंगा फहराने से डर लगता है। इसके लिए हमें आंदोलन करने पड़ते हैं। मैं देश के नौजवानों की ओर से प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, चार पंक्तियों के माध्यम से उनसे बात कहना चाहता हूँ कि लाल चौक है अभिन्न अंग मेरे देश का, तो लाल चौक है अभिन्न अंग मेरे देश का, तो चौक की पवित्र भूमि कौन छीन पाएगा, चौक की पवित्र भूमि कौन छीन पाएगा। देश पे धरो जरा भरोसा मनमोहन जी, देश पे धरो जरा भरोसा मनमोहन जी। देश का जवान हर जंग जीत जाएगा, देश का जवान हर जंग जीत जाएगा। कैप्टन मनोज अशफाक की प्रथा पे देश, कैप्टन मनोज अशफाक की प्रथा पे देश। बलिदानियों की बहरीत दोहराएगा, बलिदानियों की बहरीत दोहराएगा। एक बार सेना को आदेश देके देखिए तो, एक बार सेना को आदेश देके देखिए तो, इस्लामाबाद में तिरंगा फहराएगा, इस्लामाबाद में तिरंगा फहराएगा, इस्लामाबाद में तिरंगा फहराएगा।
मैं देश की चार बड़ी समस्याओं से आपको जोड़ू। एक बार जोरदार जयकारे लगा दीजिए, भारत माता की। आगे से लेके पीछे तक सबके हाथ उठे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं चार पंक्तियां रखना चाहता हूँ। अभी चुनाव आए, सरकार बदली, तख्त बदले, ताज बदले। एक समस्या जो देश के सामने आजादी से लेकर आज तक जो नहीं बदल पाई, और इस बार अगर देखा जाए तो बहुत तो चुनावी समीकरण बदलने में उसी वही समस्या चुनावी समीकरण बदलने में भी काम आई। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखता हूं। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, बात को समझ जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि हीरे मोती सोने चांदी पन्नों को शमशान मिला, हीरे मोती सोने चांदी पन्नों को शमशान मिला, कंकड़ पत्थर आरक्षित है कोयलों को वरदान मिला, कंकड़ पत्थर आरक्षित है कोयलों को वरदान मिला। जातिवाद का दानव देश की प्रतिभा को खा जाता है, जातिवाद का दानव देश की प्रतिभा को खा जाता है, जातिवाद का दानव देश की प्रतिभा को खा जाता है। जब मंत्री का बेटा देश में आरक्षण पा जाता है, जब मंत्री का बेटा देश में आरक्षण पा जाता है। गली गली द्वारे द्वारे पर राग बुना आरक्षण का, गली गली द्वारे द्वारे पर राग बुना आरक्षण का, संविधान के शीर्ष पटल पर दाग लगा आरक्षण का, संविधान के शीर्ष पटल पर दाग लगा आरक्षण का। सब समान है वाले मुखड़े बिना अर्थ हो जाते हैं, आरक्षण का घर पड़े बलिदान व्यर्थ हो जाते हैं। जातिवाद का बीज अगर ये धरती पर पल जाएगा, जातिवाद का बीज अगर ये धरती पर पल जाएगा, आरक्षण की आग में एक दिन देश मेरा जल जाएगा, आरक्षण की आग में एक दिन देश मेरा जल जाएगा, आरक्षण की आग में एक दिन देश मेरा जल जाएगा। जातिवाद के महासमर में बाबा का मत नाम करो, शूर शहीदों के पौरुष को देश में मत बदनाम करो। किसी ने कहा कि इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, किसी ने कहा कि इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मैं बताता हूं कि इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। अभी तक जिन लोगों ने अपने हाथ ना खोले हो, वो अगली दो पंक्तियों पर अपने हाथ खोले। मैंने किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जाति के लिए आरक्षण की मांग नहीं की है। मैंने किन लोगों के लिए आरक्षण की मांग की है, अगर वो मांग सच हो तो एक एक हाथ हवा में लहरता हुआ दिखाई दे। कि रखो तुम सहेज कर सड़ते अन्न के दाने दाने को, रखो तुम सहेज कर सड़ते अन्न के दाने दाने को, रखो तुम सहेज कर सड़ते अन्न के दाने दाने को। आरक्षण उसको दो जिसके घर में ना हो खाने को, आरक्षण उसको दो जिसके घर में ना हो खाने को, आरक्षण उसको दो जिसके घर में ना हो खाने को। और ये परिस्थितियां ऐसी आई क्यों? मैं चार पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि परिस्थितियां ऐसी क्यों हुई। सपा बसपा या भाजपा जब सत्ता में आई है, सपा बसपा या भाजपा जब सत्ता में आई है, हमको लगता चोर चोर मानो मौसेरे भाई है, हमको लगता चोर चोर मानो मौसेरे भाई है। लोकतंत्र पर शोक तंत्र का फिर से कशा सिकंजा है। और अगली पंक्ति पर अगर इस देश की बर्बादी का सही कारण बता दिया हो तो एक एक हाथ हवा में लहरता हुआ दिखाई देना चाहिए। कि लोकतंत्र पर शोक तंत्र का फिर से कशा सिकंजा है, लोकतंत्र पर शोक तंत्र का फिर से कशा सिकंजा है। देश की बर्बादी का कारण केवल हाथ का पंजा है, देश की बर्बादी का कारण केवल हाथ का पंजा है, देश की बर्बादी का कारण केवल हाथ का पंजा है। दो पंक्तियां विश्वास की, दो पंक्तियां पढ़ता हूँ आशाओं की, दो पंक्तियां पढ़ता हूँ। अगर आपको लगे कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ये परिस्थितियां बदलेंगी, तो मुझे एक एक व्यक्ति आशीर्वाद दे कि शीतल शिराओं का शोणित जब सिंधु ज्वार सा उबलेगा, शीतल शिराओं का शोणित जब सिंधु ज्वार सा उबलेगा, शीतल शिराओं का शोणित जब सिंधु ज्वार सा उबलेगा। भारत मां निश्चिंत रहो, हिजड़ों का शासन बदलेगा, भारत मां निश्चिंत रहो, हिजड़ों का शासन बदलेगा, भारत मां निश्चिंत रहो।